हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा शामो कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आटा बनाना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो आटा बनाने में बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। इस तरह से आपको कभी भी आटा बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका आटा फटाफट बन जाएगा। चाहे बड़े बनाए चाहे बच्चे बनाए, सब इजीली बना पाएंगे इसको। चाहे पहले क्या क्या चाहिए, हमने 2 कटोरी आटा लिया है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं लिटिल बिट सॉल्ट, क्योंकि इससे ये होता है आप कभी इसके पराठे भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो सीक्रेट चीज डालेंगे, वो डालेंगे हम इसमें देसी घी। देसी घी से क्या होगा, ये जब भी पराठे बनाएंगे या रोटी बनाएंगे बहुत सॉफ्ट बनेगी। ऐसा मन करेगा कि एक रोटी के बाद 3-4 रोटी और खा जाए, इतनी सॉफ्ट बनेगी इसकी सॉफ्टनेस के लिए। और इस आटे से आप चाहे तो पराठा बना ले, चाहे रोटी बना ले, चाहे पूरी बना ले, सब बहुत अच्छा बनेगा। पराठे तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये जो हमने इसमें घी डाला है और नमक डाला है, इन सबको मिक्स कर लेंगे आटे के साथ अच्छे से मसल मसल के, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आटा बनाने में बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं कि भाई कौन आटा बनाए। तो उस दिक्कत को दूर करते हुए मैं बता रही हूँ कि आप फटाफट आटा बना पाएंगे, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा आटा बनाना है। तो इसलिए आप इस तरह से आटा बनाइए, आपको ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा और आपका परफेक्ट आटा बनेगा। अभी ऐसे करते हैं, ये सब मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बस अपने आटे को इकट्ठा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बहुत कम कम डालेंगे। बस आटे को इकट्ठा करना है हमें, मेन वही बात होती है। देखो आटा जुड़ने लगा, देखिए हमारा सारा आटा मिक्स हो गया इसमें, जो बच रखा था सूखा आटा भी। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मसल लेंगे। अभी पानी कम ही डालना है, थोड़ा हाथ पे लेके। फिर आटे की पहचान आपको इस तरह से पता चलेगी कि आपका आटा गूंथते गूंथते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। इसको गूंथ लेंगे, क्योंकि आटे को जितना गूंथते हैं उतना सॉफ्ट रोटी आएगी आपकी। देखिए हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो चुका है, रोटी बनाने के लिए तैयार है। मगर हम इसको 15-20 मिनट के लिए रोटी बनाने से पहले रेस्ट पे छोड़ेंगे, तब उसके बाद रोटी बनाएंगे। आपकी बिल्कुल फुली फुली सॉफ्ट रोटी बनेगी, खा के मजा आएगा आपको। तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए आप, मैंने कितने फटाफट कर दिया इसको तैयार। ये देखिए पहचान है, देखो कितना चिकना हो रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदा है। बस इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और जब भी आपको रोटी बनानी हो तो फटाफट इसको थोड़ा सा हाथ लगा के आटे को सेक लीजिए और रोटी सेकिए। और हम इसकी रोटी बनने जा रहे हैं। देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट और फूली फूली बनेगी। हमने तवा गरम कर लिया है, ये देखिए हमारी रोटी। जब रोटी थोड़ा सा सिकने लग जाए तो हम इसको पलट लेंगे। जब दूसरी साइड से सिक जाएगी तो हम इसको सेक लेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी सिक चुकी है, अब हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कितनी फूली फूली रोटी बनी हमारी। ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। इस तरह से दूसरी रोटी भी सेक लेंगे हम। गैस को मीडियम टू हाई रखेंगे, हम इसको पलट लेंगे। रोटी को हमेशा तेज आंच पे सेकना चाहिए, उससे रोटी हमारी तुरंत फूलती है। अब रोटी को सेकेंगे हम अपनी। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है। तो आप आटा बनाइए और परफेक्ट रोटी बनाइए, आपकी रोटी सारी फूली फूली बनेगी। फ्रेंड्स हमारी परफेक्ट रोटी बन चुकी है, जो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इस पर घी लगाइए, बटर लगाइए
और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो गाइस सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और रोटी इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स।